पूछना पड़ेगा खुद से, मैं इतना बड़ा बिजनेस कर रहा हूँ, मैं ये घर चला रहा हूँ, मैं ये पैसा कमा रहा हूँ, मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, मैं ये एजुकेशन ले रहा हूँ, वॉट इज दिस ऑल फॉर? क्या इसका कुछ मकसद है क्या? इससे कुछ बड़ा होगा क्या? इससे कुछ दुनिया अच्छी होगी क्या? इससे कहीं किसी और की जिंदगी अच्छी होगी क्या? इट्स ओके नॉट टू चेंज द वर्ल्ड, बट इट्स नॉट ओके नॉट टू चेंज योर सराउंडिंग. लुक अराउंड एंड यू विल हैव डाइम अ डजन एग्जांपल्स. एक है हमारे तिवाड़ी जी बोलते हैं उनको, एंड ही इज नोन एज तिवाड़ी जी जो ढूंढते हैं लोगों को. उनके बारे में कहा जाता है कि 1946 में, ओल्ड मैन नाउ, एंड ही इज गॉट दिस कैंप कॉल्ड खोया पाया शिविर. एंड दिस तिवाड़ी जी फॉर द लास्ट 50-60 ईयर्स ये कुंभ मेले में जो लोग खो जाते हैं उनको मिलाते हैं एक दूसरे से. एंड ही सेज 1946 में एक कुंभ मेले में मैं था और मेरे सामने एक लेडी आई, बुढ़ी औरत थी और बड़ा रो रही थी क्योंकि उनके बच्चे उनसे बिछड़ गए. एंड ही सेज 1946 में मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं, तो मैंने टिन के पत्रे को लेके मैंने एक माइक बनाया और पूरे मेले में मैं उनका नाम लेके ढूंढता रहा, उनका हाथ पकड़ के कि इनका कोई रिलेटिव है कि नहीं. और फाइनली उनको शाम को उनका रिश्तेदार मिल गया और जो उनको खुशी उनके चेहरे पे थी, उन बुजुर्ग लेडी के चेहरे पे, कि उनका खोया बेटा मिल गया उनको, इतनी खुश हुई कि वो कह रहे हैं तिवाड़ी जी कि उन्होंने जो है मेरे पैर छुए उस बुजुर्ग औरत ने, और मुझे ऐसा लगा कि गंगा मैया मेरे पास आई और मुझे बोल रही है कि राजा तेरा यही काम है. 1946 से लेके आज तक उन्होंने कम से कम 10 लाख लोगों को मिलाया है कुंभ मेलों में और ऐसे के मेलों में. उनका शिविर का नाम है खोया पाया शिविर, लॉस्ट एंड फाउंड को हिंदी में बनाया खोया पाया शिविर. तो वहां कोई भी खोता है मेलों में तो उनको मालूम है यहां खोया पाया शिविर कहीं है, और तिवाड़ी जी के बंदे कहीं ना कहीं घूम रहे हैं और वो ढूंढते रहते हैं कोई खोया है क्या, कोई बच्चा खोया है क्या. पिछले ही मेले में जो 2013 में जो मेला हुआ था कुंभ मेला, वहां पर 2.75 लाख लोग खोए गए थे. इंडिया में कितनी आबादी है खोने की, देखो 20,000 बच्चे खोए गए थे. इमेजिन करो व्हाट सर्विस ही इज डूइंग, व्हाट सर्विस एंड व्हाट इज ही गेटिंग आउट ऑफ इट. तो हम सब, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको इतना बड़ा कोई मुहिम चालू करना, आई एम जस्ट शेयरिंग दिस विद यू सो दैट यू अंडरस्टैंड दैट समथिंग बिगर विच यू कैन डू, समथिंग विच इज मच मोर मीनिंगफुल देन व्हाट यू डूइंग राइट नाउ. अरे अपने लिए तो सब जानवर जी लेते हैं यार, अपना खाना, अपने खुद की जिंदगी तो कोई भी जानवर कर लेता है, हम तो इंसान हैं. एंड वी हैव बीन ब्लेस्ड विद दिस ब्रेन टू क्रिएट समथिंग मोर पावरफुल, मच मोर मीनिंगफुल फॉर पीपल अराउंड अस. और अगर आज इस दुनिया की जो दुर्गति हुई है, अगर वो हुई है इसलिए क्योंकि हम इतने स्वार्थी हो गए कि हमें अपने आप से ऊपर हमें कुछ दिखता नहीं.